हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे किसान कर्ज माफी के बारे में, जो कि मोदी सरकार करने जा रही है। आपको बता दें तो सभी किसानों का 9 जुलाई से पहले ही कर्ज माफ होने वाला है। यदि आप ये किसान हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि आप भी अपना कर्ज माफ इस कर्ज माफी पे कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय स्तर की कर्ज माफी है और पूरे देश के लिए होने वाली। इसलिए आप ये वीडियो भी पूरा का पूरा देखते रहिए, ताकि आप भी अपना कर्ज माफ करवा सके और इस कर्ज माफी का लाभ ले पाए। और इसी के साथ आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी बात बताएंगे जिनका भी आपको लाभ मिलेगा 9 जुलाई से पहले, तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप वीडियो पूरा का पूरा देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप कोई भी जानकारी कर्ज माफी या फिर किसान योजना की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उसको दबाना है। जैसे आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक घंटी का निशान, उसको भी आपको जरूर दबाना है, ताकि आपको जो भी जानकारी हो किसान योजना या फिर कर्ज माफी की वह सबसे पहले मिल जाए और आप वह जानकारी प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले उस योजना का भी लाभ ले पाए। इसलिए सब्सक्राइब करिए और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को भी दबाइए, और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिए, ताकि आपका जो सपोर्ट है वह वीडियो को मिल जाए। लाइक करने से सपोर्ट मिलेगा और शेयर करने से ये वीडियो आपके भाई बहन मित्र भी प्राप्त करेंगे, इसलिए लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्ज माफी के बारे में और किसान योजना के बारे में, और आपको बता लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा कर्ज माफी का। तो मोदी सरकार ने सभी का इंतजार खत्म कर दिया और पूरे देश के लिए कर्ज माफी करने का तय कर दिया है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर कर्ज माफी होने वाली। अब कैसे होने वाली है, कैसे आपको लाभ मिलेगा और 9 जुलाई से पहले आप किस प्रकार से अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं, यह भी आपको देते हैं पूरी की पूरी जानकारी, और साथ में कुछ बड़ी योजना के बारे में बता देते हैं जिसका भी लाभ आपको 9 जुलाई से पहले मिलने वाला। तो चलिए देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी। तो सारी की सारी जो भी योजना है वह 5 जुलाई से आरंभ होने वाली, और आपको बताएं तो ये जो 5 जुलाई से आरंभ होने वाली है वह बजट में जो भी घोषणा होगी वह आरंभ होने वाली। अब कौन सी बजट में घोषणा होगी वह आपको बता देते हैं। तो बजट में अब की बार उम्मीद की जा रही है कि किसानों और जो है कृषि क्षेत्र में तरक्की के लिए कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पे योजनाएं शुरुआत की जा सकती है, और बजट 2019 पूरी तरह से किसानों पर फोकस होने की भी बात कही गई है। बजट 2019 के अपडेट ये आ रही है सरकारी सूत्रों की तरफ से, किसमें कर्ज माफी, किसान योजना और कुछ बड़े बड़े मुद्दे आ सकते हैं जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का। अब कौन कौन सी योजना का लाभ मिलता है ये भी आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बजट में कृषि और किसानों की तरक्की के लिए तोहफों की प्रबल उम्मीद की जा रही, यानी कि बहुत बड़े बड़े तोहफों की जो है मजबूत से के साथ उम्मीद है, और आशा यह चल रही है कि अब की बार किसानों को निराश नहीं किया जाएगा इस पूर्ण बजट 2019 में। आपको बताएं तो नरेंद्र मोदी सरकार आम बजट को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आर्थिक उन्नति की दिशा में आज बजट में नई बातों की भी आशा की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने जा रही, और वह भी पूर्ण, और इस बजट से यहां पे सभी को उम्मीदें भी है, और यहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी यह उम्मीदें की जा रही है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े बड़े पिटारे खुल सकते हैं। और आपको बता रहे तो इस बजट में ये बात आई है कि किसानों के लिए लाभकारी घोषणाएं की जा सकती है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर जो बजट पारित होने जा रहा है इसमें सभी किसानों को कुछ ऐसे ऐसी योजनाएं मिलेगी जिससे उनको बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा। अब कौन कौन सी योजनाएं ये आपको बता देते हैं किसानों के अनुसार, और किसानों के जो है यहाँ पे बोल के अनुसार बता देते हैं कि किसान क्या अपनी मांग कर रहे हैं। तो किसानों की उम्मीद यह चल रही है कि बेहतर बजट होएगा अब की बार, और बजट कैसा होना चाहिए इस संबंध में कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए, कुछ किसानों ने सुझाव भी दिए, वह अभी आपको बताएंगे। और वही सुझाव बता दें आपको तो अभी अभी निर्मला सीतारमण को मिले, यानी कि निर्मला सीतारमण के जो सुझाव आए पास में, और जो बजट 2019 में योजनाएं होने वाली है, घोषणाएं होने वाली, वही सुझाव भी आपको बताएंगे, और वह भी किसानों के अनुसार। तो कुछ किसानों ने यह कहा है कि बजट में बाढ़ सुखाड़ से जो है किसानों को राहत के अलावा किसानों को कर्ज से राहत के बेहतर विकल्प को बल प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि कर्ज माफी की जानी चाहिए सभी को यहाँ पे
कर से मुक्ति दी जानी चाहिए, यह भी कुछ किसानों का सुझाव है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कृषि को व्यापार का रूप देकर किसानों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मौत पर 10 लाख रुपए का मुआवजा किया जाना चाहिए और साथ में स्थानीय स्तर पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी की जानी चाहिए। यानी कि जो किसान कह रहे वह कह रहे हैं कि हमारे लिए कर से मुक्ति की जानी चाहिए, 10 लाख रुपए का मुआवजा श्रमिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए। साथ में कुछ ने कहा है कि व्यापार का रूप देकर किसानों को रोजगार के अधिक अवसर देने चाहिए और साथ में कुछ बड़ी बड़ी उन्होंने बात कही है और पूरी की पूरी बात उन्होंने अपनी लाभकारी के लिए की। यानी कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर हमें जो आस है वह बड़े लाभ से है और ये उन्होंने बात कही है और ये सुझाव उन्होंने निर्मला सीतारमण को भेजे। जैसा कि आपको बताया तो निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी किसान भाई जो भी है वह अपने सुझाव भेजिए जल्द से जल्द बजट 2019 5 जुलाई से पहले और वही सुझाव देखकर हम बजट अब की बार बनाएंगे और उन्हीं घोषणाओं के आधार पर किसानों को लेकर जो भी घोषणाएँ करेंगे वह उन्हीं सुझावों के आधार पर करेंगे, ये भी निर्मला सीतारमण ने कहा। तो ये कुछ सुझाव है किसान ने दिए है और इसके अलावा भी कुछ किसानों ने और सुझाव दिए, वह क्या दिए आपको वह भी बता देते हैं। तो कुछ किसानों ने कहा है कि बजट में गरीबों मजदूरों किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए सहूलियत पहुंचाने वाली योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को साल में 6000 की राशि से बढ़ाकर 10000 रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि किसान सम्मान निधि स्कीम जो है उसको बढ़ाकर 10000 रुपये की जानी चाहिए और जैसा कि अपडेट के मुताबिक सरकार सूत्र ये कह रहे हैं कि 8000 रुपये राशि हो सकती है इस बार के बजट में। और वहीं खेती से जुड़े वस्तुओं पर टैक्स में छूट के लिए नियमों को सुलभ बनाना चाहिए और किसानों की तरक्की का उपाय ढूंढा जाना चाहिए। यानी कि किसान किस प्रकार से अपनी आय पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं उसके पूरी तरह से उपाय जो है बजट 2019 में होने चाहिए और पूरी तरह से समाधान किसानों की समस्या का होना चाहिए। ऐसी जो है यहाँ पे योजनाओं को अब की बार बजट 2019 में लाया जाना चाहिए, ऐसी किसानों की आस चल रही। और वहीं इसके अलावा GST कम करनी चाहिए, GST टैक्स कम करना चाहिए जिससे किसानों को जो है अधिकतर टैक्स ना देना पड़े सरकार को, ये भी किसानों ने बात कही है। और किसानों ने कहा कि जैसे भी यदि आप किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हो तो ऐसी योजनाएं लाए, ऐसे अवसर लाए जिससे जो है पूरी तरह से यहाँ पे किसानों की तरक्की हो, यानी कि किसानों का जो भविष्य है वह सुधर जाए और किसान आत्महत्या भी करने पर मजबूर ना हो, जिसके लिए कुछ किसान कह रहे हैं कि कर्ज माफी बेहतर है। और जैसा कि कुछ बड़े बड़े किसानों ने यह बात कही कि कर्ज माफी सबसे बेहतर विकल्प है कि किसानों की तरक्की कैसे की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये किसानों की कुछ राय है जो कि हमने आपको दिया। अब बात करते हैं कुल मिलाकर किस प्रकार से निर्मला सीतारमण बजट 2019 में घोषणाएं कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आम बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित भी है और वह पूर्ण रूप से बजट 2019 को सबसे सफल बजट बनाने की कोशिश भी कर रही है। अब वह किस प्रकार से सफल बनाएगी ये तो 5 जुलाई को पता चल जाएगा, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बात आई है कि अब की बार किसान बेरोजगार जो भी आम आदमी उसको सीधा का सीधा बड़े ही आसानी से लाभ दिया जाए। और किसानों पर अब की बार जैसा कि बता दें तो विशेष ध्यान है, विशेष केंद्रित किया जा रहा है किसान को और कृषि क्षेत्र पर ऐसा केंद्रित यहां पे होने वाला जैसे बजट किसानों का ही होने वाला है पूर्ण रूप से, ऐसी भी बात आ रही है। सरकारी सूत्रों ने यह कहा है कि किसानों के लिए जो अब की बार योजनाएं हो सकती है उसमें सबसे प्रमुख है कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि स्कीम जिसकी जो 6000 रुपए मिलते हैं वह सालाना 8000 या 10000 किया जा सकता है, तीसरी स्कीम GST छूट और चौथी स्कीम बताई जा रही है मूल्य समर्थन और एक और स्कीम बताई जा रही है पांचवी जिसमें भी आप सभी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके अलावा आपको बताया तो स्वामीनाथन जी ने भी यह कहा है कि कर्ज माफी का विकल्प बेहतर है सभी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। और स्वामीनाथन जी ने ये बात कहते हुए किसानों को कहा है कि आपकी जो मांग है उसी पर बजट आधारित होना चाहिए, यानी कि आपकी मांग को स्वीकार कर बजट बनाना चाहिए और आपका जो भी मांग है उसको पूरा करना चाहिए बजट 2019 में, ये स्वामीनाथन जी ने कहा है। और आप सभी को आश्वासन देते हुए कहा है कि बजट 2019 पूरी तरह से किसानों पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ बड़ी बड़ी बातें आ चुकी है आप सभी के लिए कर्ज माफी योजना को लेकर और 5 जुलाई से आप सभी की कर्ज माफी होने वाली है शुरू और इसके अलावा भी कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं आप सभी के लिए बजट 2019 में होने वाली है और वह भी 9 जुलाई से पहले आप लाभ ले सकते हैं इन सभी योजनाओं का। अब कैसे लाभ ले पाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए कुछ ही योजनाओं का लाभ आप ऑनलाइन माध्यम से ले पाएंंगे, कुछ का ऑफलाइन और अधिकतर आपको बात बता दें तो ऑफलाइन पर आवेदन देखने को मिलेगा और ऑफलाइन से ही आप जो है
कुछ योजनाओं का अधिकतर लाभ ले पाएंगे। ऐसी कुछ योजनाएं होंगी जिसका आप ऑनलाइन से भी लाभ ले पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसमें बिचौले अधिक आ जाते हैं और वहीं जो है किसान गरीब जो होता है वह लाभ नहीं ले पाता। इसी कारण ऑनलाइन भी कुछ ऐसी सुविधा होंगी जिससे सीधा सीधा किसानों को लाभ मिल जाए। तो ये है कुछ बड़ी आप सभी के लिए यहाँ पे किसान योजना जो कि आप सभी निकल के आ रही है मोदी सरकार के द्वारा इस बजट 2019 में, और इस पूर्ण बजट में किसानों की उम्मीदों को पूरी तरह से यहाँ पे जो है तरक्की के लिए वगैरह जो भी घोषणा है वह पूरी की पूरी मोदी सरकार अब क्यों कर सकती है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही। तो इस प्रकार से यही है आज की ताजा और बड़ी खबर हर एक किसान भाई के लिए कि कर्ज माफी होने जा रही है हर एक किसान की, साथ में किसान योजना और कुछ बड़े बड़े प्लान जो कि अब की बार मोदी सरकार पूरे करने जा रही है और सभी किसानों को बड़े से बड़ा लाभ भी देने जा रही है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि इस वीडियो में तो बस नहीं था, आगे भी ऐसी जानकारी मिलेगी। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर आप अवश्य करिए ताकि ये जो जानकारी है वह सबके पास पहुंचे और वह भी लाभ ले पाए, और साथ ही में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी मिल जाए सबसे पहले। तो इस वीडियो में बस नहीं था, आप सभी भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं फिर से कहूंगा कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक करो वीडियो को, और यार शेयर भी कर डालो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो। तो इस वीडियो में बस नहीं था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।